ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ई स्टडी विद अनिल सर में। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम प्राचीन भारत का इतिहास यानी कि एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत के इस सफ़र में हम मौर्योत्तर काल तक पहुंच चुके हैं। मौर्योत्तर काल में हमने भारतीय राजवंशों के बारे में पढ़ लिया है, साथ ही विदेशी राजवंशों में हिंद यवन और शक साम्राज्य के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिया है। आज बारी है हमारे विदेशी शासन के तीसरे राजवंश पहलो वंश के बारे में पढ़ने की। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप वो सभी वीडियोज़ हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट एंशियंट हिस्ट्री में जाकर उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के अपने वंश पहलो वंश के बारे में। पहलो वंश का पहला पॉइंट देखते हैं। पहलो पार्थिया से भारत आए थे। दोस्तों, अगर हम बात करें पहलो वंश की, तो पहलो कहाँ से भारत में प्रवेश किए थे? वो प्रवेश किए थे पार्थिया से। पार्थिया की अगर बात करें तो यह सेंट्रल एशिया में, जहाँ आज के समय में ईरान स्थित है, वहाँ पर ही उस समय पार्थिया स्थित था। तो पहलो कहाँ से आए थे? पार्थिया से भारत में आए थे। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। पल्लो को भारत में हिंद पार्थियाई के नाम से जाना गया। दोस्तों, ये पार्थिया से होकर भारत में आए थे, इसलिए इन्हें हिंद पार्थियाई के नाम से भी जाना गया। हिंद पार्थियाई यानी कि इंग्लिश में इंडो पार्थियन के नाम से जाना गया। इतिहास में सिकंदर के समय से ही इनका उल्लेख मिलता है। दोस्तों, अगर हम पार्थियन किंग्स के बारे में बात करें तो अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिन्हें हम सिकंदर के नाम से जानते हैं, तो सिकंदर के समय से ही पार्थिया राज्य के बारे में उल्लेख मिलता है। बैक्ट्रिया के साथ ही पार्थिया ने भी स्वयं को यूनानी शासन से स्वतंत्र करा लिया था। दोस्तों, अगर आपको याद हो हमारे हिंद यवन के वीडियो के बारे में, तो उसमें हमने बात किया था कि बैक्ट्रिया और पार्थिया दोनों ने एक साथ ही अपने आप को यूनानी शासन से स्वतंत्र करा लिया था। जिस प्रकार बैक्ट्रिया के यवनों ने भारत में अपने राज्य स्थापित किए, उसी प्रकार पार्थिया के लोगों ने भी भारत में अपने राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से आए। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने देखा कि किस प्रकार यवन, जिन्हें हम बैक्ट्रियन के नाम से भी जानते हैं, वो भारत में आए राज्य करने के उद्देश्य से। बिल्कुल उसी तरीके से पार्थिया के लोग भी भारत में आए अपने राज्य को स्थापित करने के उद्देश्य से। अगला पॉइंट देखते हैं। पार्थिया के शक्तिशाली शासक मिथिदाटस सेकेंड द्वारा दमन किए जाने पर शक भारत में आने को विवश हो गए। दोस्तों, अगर आपको याद हो हमारे पिछले वीडियो में, जिसमें हमने शक साम्राज्य के बारे में पढ़ा है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि सबसे पहले ये जो शक साम्राज्य के लोग थे, शकों ने सबसे पहले बैक्ट्रिया पर हमला किया और बैक्ट्रिया को अपने कब्जे में कर लिया। बैक्ट्रिया में कब्जा करने के बाद इन्होंने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए पार्थिया पर कब्जा किया, लेकिन पार्थिया का जो शासक था, जिसका नाम था मिथिदाटस सेकेंड, वो बहुत ही प्रतापी शासक था। उसने इनको जो भी ये आए हुए थे बैक्ट्रियन, इनको रोक दिया और इनको बोला कि आप अपना रास्ता नापो, इधर आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इससे विवश होकर जो शक साम्राज्य के लोग थे, शकों ने भारत पर आने को विवश हो गए। मिथ्रेडेट्स प्रथम इस वंश का प्रथम वास्तविक संस्थापक था। दोस्तों, अगर हम पल्लव वंश की बात करें तो इसका वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेट्स प्रथम था, जिसका शासनकाल 171 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी के आसपास था और यह यूक्रेटाइडीज वंश के समकालीन था। हमने अपने हिंद यवन वाले वीडियो में पढ़ रखा है कि उसमें दो वंश थे जो भारत में आए। कौन कौन से दो वंश थे? पहला था डेमेट्रियस वंश और दूसरा था यूक्रेटाइडीज वंश। तो ये जो पहलो वंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं, मिथ्रेडेट्स प्रथम का, जो इनका वास्तविक संस्थापक था मिथ्रेडेट्स प्रथम, यह यूक्रेटाइडीज के समकालीन था और इन्होंने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई। भारत में उस समय इन्होंने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई हुई थी। पेशावर से प्राप्त एक शिलालेख जिसका नाम है तख्त ए बाही, उसके अकॉर्डिंग गोंडो फर्नवीस इस वंश का सबसे शक्तिशाली इंडो पार्थियन यानी कि पहलो शासक था। दोस्तों, अगर हम बात करें, तख्त ए बाही यह एक शिलालेख है जो कि पाकिस्तान के पेशावर ज़िले में है और यह इसमें गोंडो फर्नवीस के बारे में हमें जानकारी मिलती है और इसमें यह बताया गया है कि पल्लो वंश में गोंडो फर्नवीस सबसे ज़्यादा शक्तिशाली इंडो पार्थियन शासक था। यह अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ है। जिस लिपि का यूज़ किया गया है तख्त ए बाही में, वह खरोष्टी लिपि है। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में पल्लो भारत आए थे और इन्होंने उत्तर पश्चिम भारत को अपनी सत्ता का केंद्र बनाया। अगर हम बात करें भारत में जब ये पल्लो वंश के लोग आए, तो ये जो है उत्तर पश्चिम भारत को अपना केंद्र बनाया, उधर के साइड में ही इन्होंने अपने आप को फैलाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं गोंडो फर्नवीस के बारे में। तख्त ए बाही से पता लगता है कि ये सबसे ज़्यादा महान शासक हैं, तो अब देखते हैं इनकी महानता के बारे में। तो तख्त ए बाही अभिलेख के अनुसार
गुदुबहार ने 20 एडी से 41 एडी तक शासन किया। तख्तेबाही में इनको गुदुबहार के नाम से बोला गया है। गोंडो फडणवीस की जगह पर गुदुबहार के नाम से संबोधित किया गया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि इनका जो शासनकाल चला वो 20 एडी से लेकर 41 एडी के आसपास चला। आरंभ में गोंडो फडणवीस का शासन अफगानिस्तान तक ही था, लेकिन बाद में इन्होंने पेशावर तथा सिंधु घाटी के निचले क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया। हम देख सकते हैं कि पहले अफगानिस्तान तक ही ये सीमित थे, लेकिन बाद में इन्होंने पेशावर और सिंधु घाटी के निचले क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया। उसने अंतिम हिंद यवन शासक हर्मियस को हराकर उत्तरी काबुल घाटी पर अधिकार कर लिया। हिंद यवन का जो अंतिम शासक था, जिसका नाम था हर्मियस, उसको गोंडो फडणवीस ने हराया और काबुल की घाटी पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। गोंडो फडणवीस के सिक्के पंजाब, सिंध, कांधार, सीस्तान तथा काबुल घाटी से प्राप्त हुए। जो सिक्के चलवाए थे गोंडो फडणवीस ने, वो आज के समय हमें पंजाब, सिंध, कांधार, सीस्तान और काबुल घाटी से मिले हुए हैं, जिससे यह प्रमाण मिलता है कि इनका जो राज्य था वो अति विकसित था। इतने सारी जगहों से सिक्के मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि इनका राज्य बहुत ही ज़्यादा विस्तृत था। गोंडो फडणवीस के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ज़रूर याद रखना है। गोंडो फडणवीस जब आए थे, गोंडो फडणवीस के शासनकाल के समय सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। दोस्तों, अभी हम जो पढ़ रहे हैं, अभी हम प्रथम शताब्दी एडी में आ चुके हैं, प्रथम शताब्दी ईस्वी में। तो अब हम जानते हैं कि ये एडी है, एडी का मतलब तब जब ईसा मसीह आ चुके थे, ईसा मसीह के बाद का समय है ये। तो हम अभी देख रहे हैं, ईसा मसीह के जब आ चुके थे तो बहुत सारे लोग ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। पूरे विश्व में क्रिश्चियन ईसाई धर्म का बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। तो सेंट थॉमस ये भारत में आए ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। और इस बात का उल्लेख कहाँ मिलता है कि ये भारत में आए थे? इसका उल्लेख एक सीरियाई ग्रंथ है जिसका नाम है एक्ट ऑफ जूडस थॉमस द एपोस्टल। इसमें हमें इस चीज़ का उल्लेख मिलता है कि ये भारत में आए थे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने। इस ग्रंथ के अनुसार गोंडो फडणवीस ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था। अगर हम इस ग्रंथ को माने, एक्ट ऑफ जूडस थॉमस द एपोस्टल, तो इसके अकॉर्डिंग गोंडो फडणवीस ने भी ईसाई धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था। ईसाई धर्म के प्रचार में निकले सेंट थॉमस भारत के दक्षिणी भाग में भी गए, लेकिन 72 एडी में इन्हें चेन्नई के निकट म्यालपुर नामक स्थान पर इनकी हत्या कर दी गई। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये दक्षिण भारत की तरफ भी गए अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, लेकिन 72 एडी में इन्हें चेन्नई के पास एक म्यालपुर नामक जगह है, वहाँ मार डाला गया। क्यों मार डाला गया, उसके बारे में हम देखते हैं। वहाँ सभी लोगों को लगा कि ये हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। सबको लगा कि ये कौन आ गया बाहर से जो हमें ईसाई धर्म के बारे में बोल रहा है, और बोल रहा है कि आप अपना हिंदू धर्म या फिर जो भी धर्म उस समय था, आप अपने सारे धर्म को छोड़ो और ईसाई में कन्वर्ट हो जाओ। तो वहाँ के जो दक्षिण भारत के लोग थे वो बहुत ही कट्टर थे धर्म को लेकर। तो इन्होंने बोला कि हम अपने आप को ईसाई धर्म में नहीं बदलेंगे। और जब इन्होंने देखा कि ये तो सभी को ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर देना चाहते हैं, तो उस समय दक्षिण भारत के लोगों को लगा कि ये तो हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, इसको तो मार देना ही उचित होगा। तो उस समय वहाँ के लोगों ने इसको संस्कृति छेड़छाड़ करने के कारण मार डाला। गोंडो फडणवीस के समय कुषाणों का दबाव इन क्षेत्रों में बढ़ने लगा था। अगर हम बात करें गोंडो फडणवीस के समय, तो गोंडो फडणवीस तो वैसे एक बहुत महान शासक थे, लेकिन उस समय कुषाण भी भारत में आ चुके थे और वो भी एक महान शासकों में से एक थे। तो कुषाणों का इनके क्षेत्रों पर दबाव बढ़ने लगा था। कुषाणों ने पहले पल्लवों यानी कि गोंडो फडणवीस से मित्रता की, लेकिन बाद में उन्हें मार डाला। कुषाण लोगों ने क्या किया, जो इंडो पार्थियन किंग था यानी कि पल्लव वंश का जो गोंडो फडणवीस था, उससे पहले फ्रेंडशिप की, लेकिन बाद में धोखा देके उसको मार डालते हैं। इस बात का उल्लेख दो अभिलेख से प्राप्त होता है। ये हमें कहाँ से पता चलता है इसके बारे में? इसके बारे में हमें पता चलता है दो अभिलेखों से। पहला अभिलेख है पंजितर अभिलेख और दूसरा अभिलेख है तक्षशिला अभिलेख। तक्षशिला अभिलेख तक्षशिला में मिला हुआ है और पंजितर अभिलेख पाकिस्तान के हजारा जिले में मिला हुआ है। गोंडो फडणवीस की मृत्यु के बाद गंधार, पंजाब, सिंध आदि क्षेत्रों की शक्ति कमज़ोर पड़ गई और मौके का फ़ायदा उठाकर कुषाण शासक कुजुल कटफिसेस ने इन सभी राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया। अब जब कोई भी राजा मर जाता है तो उसका जो राज्य होता है वो कमज़ोर हो जाता है,
यही चीज़ यहाँ भी देखने को मिला। गोंडो फडणवीस जब मर गए इनकी मृत्यु के बाद, जो जितने राज्य इन्होंने जीत रखे थे जैसे गांधार, पंजाब, सिंध और इन सभी राज्यों की शक्ति बहुत ही कमज़ोर पड़ने लगी। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर कुशाण शासक कुजुल कटफिसेस ने इन सभी राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार भारत से इंडो पार्थियन अर्थात पल्लव वंश का शासन समाप्त हो गया। इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये जो इनका पल्लव वंश का शासन था वो ख़त्म हो जाता है। नोट, अब हम कुछ नोट ध्यान देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पल्लव शासकों के ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत कम प्राप्त हुए हैं, इनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। केवल हमें गोंडो फडणवीस के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली हुई है, इसके अलावा बाकी राजाओं के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। क्यों नहीं हो पाई है? क्योंकि इनके कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। पल्लवों का इतिहास शकों के साथ इतना मिश्रित हो गया है कि यह पता लगा पाना कौन सा शासक पार्थियन है और कौन सा शक, ये बहुत ही मुश्किल है। इतिहासकारों को इसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, जब कोई भी नए साक्ष्य मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं, तो ये पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इतिहासकारों के लिए कि ये जो सिक्के मिले हुए हैं ये सिक्के किसके हैं, शकों के हैं या पल्लवों के हैं। दोनों का राज्य बिल्कुल मिश्रित हो रखा था, दोनों का शासन बिल्कुल एक ही समान था, दोनों के राजा, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही कन्फ्यूज्ड हैं, सारी चीज़ें बहुत ही मिक्स्ड हैं। इसलिए बहुत सारे इतिहासकार और बहुत सारी किताबों में हमने देखा है कि इसको शक और पल्लव दोनों को बिल्कुल साथ में पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही पल्लव वंश यही समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको पल्लव वंश बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई भी डाउट आपका नहीं रह गया होगा। और अगर आपका कोई भी डाउट अभी भी शेष है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आई या क्या चीज़ मैंने कवर नहीं की हुई है इस वीडियो में। और अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप हमें वो भी कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ हमारा चैनल ई स्टडी विथ अनिल सर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करवाइए। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जो कि होगी कुशाण वंश के बारे में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।